हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित खेरा। आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि SBI क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है। 8000 से ज़्यादा पद आए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे करें SBI क्लर्क की तैयारी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर SBI क्लर्क एग्जाम विथ गारंटेड रिजल्ट। हम पूरा देखेंगे। मैं इसमें आपको पूरा का पूरा बुक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, टॉपिक के बारे में, कट ऑफ के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं प्री एग्जाम जो होगा वो मार्च या फरवरी के आसपास में आपका होगा। प्री का सिलेबस में इंग्लिश है, मैथ्स से और रीजनिंग है। मैथ्स 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन की। टोटल 100 मार्क्स आएगा, 60 मिनट का टाइम रहेगा। बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अभी तक सेक्शनल कट ऑफ होता था, अब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ रहेगा बस। तो आपको मिनिमम मार्क्स की टेंशन फ्री हो गई। आपको मेरिट बनानी है कि 100 में से मैं कितने मार्क्स ला सकता हूं। मेंस की बात करूं तो मेंस में आप देखिए, जैसे ही प्री क्वालिफाई होगा तो मेंस होगा। मेंस में इंग्लिश है 40 क्वेश्चन, मैथ्स 50 क्वेश्चन, रीजनिंग और कंप्यूटर 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे आपके, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। यहां पर सेक्शनल टाइम है, कट ऑफ नहीं है। यहां पे भी सेक्शनल टाइम है, 35 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए, 45 मिनट मैथ्स और रीजनिंग के लिए, और 35 मिनट जनरल अवेयरनेस के लिए। अब मैं इसमें एक एक करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़ने। कई बच्चों के पास ये समझ में नहीं होता कि मुझे पढ़ना क्या है। रीजनिंग तो इतनी सारी है लेकिन कौन से टॉपिक पढ़ने, तो वो टॉपिक जो एग्जाम में आएंगे, जिनको पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वो पूरे यहां पर लिखे हुए। मैं क्वेश्चन के वेटेज के साथ आपको बताऊंगा किससे कितना पढ़ना है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, इससे 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाते हैं कई बार, 3 से 5 क्वेश्चन। ब्लड डोनेशन कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम बैंक में आता है, SBI में पूछा जाता है। स्लोजिज्म से कई बार 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं। पजल से 10 से 15 हो सकते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट से 5 से 10 हो सकते हैं। मतलब दोनों को अगर मिला लूं तो इससे ओवरऑल 20 क्वेश्चन प्लस कई बार देखने को मिल जाते हैं SBI में। कोडेड इनइक्वलिटी 5 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 3 से 5 क्वेश्चन की। ऑर्डर रैंकिंग 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। डाटा सुवेंसी मेंस में आता है, प्री में तो चांसेस कम है इसके आने के, मेंस में आपको दे सकता है 3 से 3 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेता है। लॉजिकल रीजनिंग मेंस में पूछता है, प्री में नहीं पूछेगा आपको, इससे भी 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं मेंस में। इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, ये भी मेंस में ही पूछ सकता है, इससे आपको 5 क्वेश्चन होते हैं मेंस में, प्री में नहीं। डायरेक्शन 2 क्वेश्चन प्री में मेंस में हो सकते हैं। तो ये बात हुई किसकी, रीजनिंग की। अगर इतने टॉपिक आप कर लोगे रीजनिंग में तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस इसमें किसकी करनी है, केवल पजल और सिटिंग की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे नीचे लिंक में आपको दिख जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पजल है 100+, वो आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, नीचे मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक में, ठीक है। तो ये तो बात हुई रीजनिंग की। बच्चे बोलते हैं सर कि हमें पढ़ना है रीजनिंग लेकिन टाइम कम पड़ता है, कौन सी बुक से पढ़े, सेल्फ करना है तो कैसे करें। तो मैं आपको 2-3 बुक के नाम बता देता हूं, बहुत शानदार बुक्स हैं। कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप करना चाहो तो आप मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं रीजनिंग के, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे डले हुए हैं। दूसरा, बुक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो केवल प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तीसरा, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे मैथ्स का। दोस्तों हम देखते हैं इसमें मैथ्स के सिलेबस के बारे में, एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में सिंप्लीफिकेशन, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन मिनिमम
मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आते हैं, इसी में टॉपिक आ जाता है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। तो दोनों को मिलाएं तो अगर 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। सेम प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम मैक्सिमम दो, रेशियो मिक्सर के दो क्वेश्चन, डीआई के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, कई बार 15 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन क्लर्क है इसलिए सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं बात करूं परसेंटेज और सीआईएसआई के, कम से कम 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 3 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, कई बार मिनिमम 3 क्वेश्चन देता है। पीएनसी की बात करूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो 1 क्वेश्चन कन्फर्म है यहाँ से, 1 क्वेश्चन प्रॉबिबिलिटी प्रायिकता से, इसी प्रकार क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन आता है, ज्यादा डिटेल में मत पढ़िएगा, बेसिक आता है, फॉर्मूले पे बेस आता है। टाइम इनवर्स से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सेम एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चांसेस भी होते हैं 3 से 5 क्वेश्चन के, वो कई बार अब सिलेबस में बदलाव कर रहा है तो वो नंबर सीरीज के लिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के जगह नंबर सीरीज, इस तरह से करता है। इंग्लिश की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन है आपका मिनिमम 10 क्वेश्चन, 5 से 10 के बीच में, कई बार 8 भी हो जाते हैं, मिनिमम 5 होते हैं। क्लोज टेस्ट 5 से 8 के रूप में दे रहा है, कई बार 5 से 10 भी हो रहे हैं। पैरा जंबल 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन कई बार दे देता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पॉटिंग एरर में कई बार 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। पैराग्राफ कंप्लीटेशन में आपको 5 क्वेश्चन के आसपास आ सकता है। फिलर आपके 10 क्वेश्चन मान लो, इतना चांसेस होते हैं कि इससे वैरायटी है। जरूरी नहीं है कि आपका सभी आए, लेकिन इनके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। तो हमने बात की मैथ्स की और इंग्लिश की, साथ में रीजनिंग देख चुके हैं। ये जो सिलेबस है ये प्री और मेंस का सिलेबस मैंने आपको बताया, प्री प्लस मेंस का। अब मैं केवल मेंस की बात करता हूं। प्री का ये हो गया, मेंस के साथ हो गए कॉमन सब्जेक्ट जो है आपके मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश। अब मैं कंप्यूटर सेक्शन और जनरल अवेयरनेस की भी बात करता हूं मेंस के लिए, कि आप फर्दर मेंस के लिए कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम देखते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, तो इसमें 3 सेक्शन में बांटा गया है, करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस। करेंट अफेयर नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, अवार्ड्स हो सकते हैं, ऑनर्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टैटिक की बात करूं तो स्टैटिक में कंट्री कैपिटल हो गया, कंट्री करेंसी हो गई, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, हेडक्वार्टर्स हो गए यूएन के, बाकी चीज़ों के हेडक्वार्टर हो गए, बैंकिंग के हेडक्वार्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको पूछेगा स्टैटिक पार्ट में, ठीक है, पावर प्लांट हो गए, ये चीज़ आपको स्टैटिक में पढ़नी होगी। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो बैंकिंग अवेयरनेस में RBI हो गया, मुख्य बैंक हो गए, उनके बारे में उनकी टैगलाइंस हो गई, और पूरा जो बैंकिंग है पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए। तो ये तो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन है। कंप्यूटर की बात करूं तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, DBMS, नेटवर्किंग के बारे में, थोड़ा इंटरनेट के बारे में, MS ऑफिस, इनपुट आउटपुट और उससे रिलेटेड टर्म्स, कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स, तो इतना आपको पढ़ना है। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। भाई बुक्स की बात करूँ तो बैंकिंग अवेयरनेस की बुक ले लीजिएगा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए। केवल बैंकिंग अवेयरनेस के लिए या तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, और धनकर पुणे की एक बुक आती है, धनकर पब्लिकेशन की, वो भी देख सकते हैं, दोनों में से कोई भी अच्छी है उठा लीजिएगा, कोई भी ले सकते हैं वैसे, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स हैं वो तो वही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्यूटर की लूसेंट ले सकते हो आप, ठीक है, परीक्षा मंथन करके बुक आती है, ये भी काफ़ी अच्छी है, ये ले सकते हैं परीक्षा मंथन। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर, केवल प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर हो जाएंगे, आराम से अपना क्वेश्चन आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है, जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा सकते हो 1 घंटे में कोशिश करना कर पाए, क्योंकि कट ऑफ मिनिमम 70+ जाता है कोई भी स्टेट का। आप देखो, आप देख सकते हो यहां पर कट ऑफ की पूरी लिस्ट दिख रही होगी आपको, दिख रही है आपको कट ऑफ की लिस्ट,
इसमें आप देखिए हर स्टेट का आपको कट ऑफ दिया हुआ है, हर स्टेट का कट ऑफ, तो आप थोड़ा सा कट ऑफ को ध्यान दीजिएगा। सेम मेंस के कट ऑफ की लिस्ट भी देख लीजिए, ये मेंस का कट ऑफ है 200 में से, दिख रहा है सभी को मेंस का कट ऑफ, तो थोड़ा सा उस हिसाब से देखिए आपको मेहनत कितनी करनी है। सबसे पहले स्पीड पे काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए, तो इतना सा बस कहूंगा कि स्पीड पे काम कर लिया आपने, एक्यूरेसी पे तो अपने आप हो जाएगी प्रैक्टिस, स्पीड बढ़ानी है अपने को दोस्तों। 70 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखोगे तभी आपका होगा सिलेक्शन, मिनिमम 75 70 75 70, क्योंकि कट ऑफ आप देख चुके हो कितने हाई जा रहे हैं। तो ये चीज दिमाग में बैठा के प्रैक्टिस चालू कीजिए, जितना प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। चलिए तो दोस्तों आपके लिए मोटिवेशनल शायरी लाया हूं, और ये सुनिए और इसको अमल कीजिए अपने जीवन में। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मैं हूं रोहित खेरा। आपका अगर सिलेक्शन हो रहा है इसके लिए अगर थोड़ा सा भी मैं योगदान हूं तो मुझे याद कीजिएगा, और जिसको इंदौर में फ्री क्लासेस करनी हो मुझे कांटेक्ट कर ले, इंदौर में फ्री क्लासेस, साथ में हमारे चैनल पे भी जल्द ही लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी बाकी सब्जेक्ट्स भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।